A square rope of length say 20 cm is initially kept 30 cm away from a region of uniform magnetic field 0.1 tesla. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और 80 सेंटीमीटर तक है एज शोन इन फिगर. इट इज देन मूव टूवर्ड्स राइट विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड. प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप विद टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम एंड इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इफ इट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम्स. आइए डायग्राम बना लेते हैं पहले. ऐसी फील्ड दे रखी है हमको और बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए हम डायग्राम बनाएंगे तीनों, फ्लक्स का भी, ईएमएफ का भी और क्या पूछा, इंड्यूस करंट का. तो पहला आएगा फ्लक्स का टाइम के साथ और जो कॉइल है वो 30 सेंटीमीटर दूर है और है 20 की. तो अगर मैं 30 को इतना मान लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो जब यहाँ पर पहुँचेगा एग्जैक्टली यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर का है. ओके, 20 सेंटीमीटर का हमको वेलोसिटी भी पता है विच इज 0.1 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में दे रखी है. यहाँ के बाद टी इक्वल टू जीरो टाइम में जब शुरू करेगा तब फ्लक्स अंदर की तरफ थ्रू दिस कॉइल जाना शुरू होगा. हमें वो डायग्राम दिखाना है. फ्लक्स होता है बी इंटू एरिया और एरिया क्या है, थोड़ी देर के बाद ये लूप अंदर चला जाएगा, है ना. मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ. ये फ्लक्स थोड़ा सा यहाँ, ये अब लूप ऐसे मान लीजिए पहुँच चुका है थोड़ा अंदर. ठीक है, दिस इज द लूप नाउ, इट हैज रीच्ड. अब इसका इतना सा पोर्शन, एक्स पोर्शन तो अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के, सिर्फ यहीं से फील्ड जा सकती, तो एरिया भी उतना ही लिया जाता है जिसमें से फ्लक्स गुजर सकता हो. अगर वो एक्स है तो बी एल एक्स, वेयर एक्स इज दैट लेंथ विच इज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रीजन. ठीक है, तो जब ये पूरा 20 सेंटीमीटर अंदर जा चुका होगा, पूरा 20 सेंटीमीटर अंदर, तब ये पूरा फ्लक्स किसके बराबर हो पाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा, बी एल और 20 सेंटीमीटर इज एक्स की जगह मैं इतने हिस्से को एल ले रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर लूप है ना, इट्स अ स्क्वायर लूप, तो आई कैन टेक एल ऑल्सो, इट विल बी बी एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तब ये वैल्यू हो जाएगी. और ये कितनी हो जाएगी ये भी निकाल लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला और लेंथ कितनी है, 0.2 का स्क्वायर, सो आई विल गेट 4 × 10^-3 वेबर. व्हाट आई एम गेटिंग इज 4 मिली वेबर, लेट मी मार्क इट एज 4 मिली वेबर. हमें देखने कितने टाइम में, स्पीड तो 0.1 है तो डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको अपनी लेंथ के बराबर पूरा अंदर जाने में, यानी कि 0.2 और स्पीड है 0.1, तो आई विल गेट 2 सेकेंड्स. सो इन 2 सेकेंड्स इट विल रीच द मैक्सिमम वैल्यू. और लीनियर क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्लक्स का एक्स से डायरेक्ट रिलेशन है पावर वन, तो ग्राफ लीनियर बनेगा. अब पूरा 20 सेंटीमीटर ट्रैवल कर चुका है, यहाँ तक पहुँच चुका है ये लूप पूरा 20 सेंटीमीटर अंदर, ये पूरा रीजन जो दे रखा है ये में 80 सेंटीमीटर का गिवेन है. तो कहाँ तक ये ग्राफ, अब जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के बाद ये पूरा यहाँ पहुँच चुका है,
जब तक ये पूरा अंदर ही है मैग्नेटिक फील्ड रीजन के, तब तक फ्लक्स चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पूरे रास्ते भर फ्लक्स तो सेम ही गुजर रहा होगा, इस लूप से पूरा अंदर है ना। इस जगह तक ये फ्लैट ही रहेगा, फ्लक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज। ध्यान से देखिए, मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर चीज़ निकालनी है इसमें। ये 2 सेकेंड्स आ चुका है ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये 2 सेकेंड्स में ही बाहर भी आ जाएगा, ये भी 2 सेकेंड्स होगा, पर हमें ये निकालना है। अब ये कितना बचा भाई, 20 में यहाँ खर्च हो गया, ये कितना बचा, 60। तो 60 कितने सेकंड में पार होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 0.6 और स्पीड 0.1 है, तो 6 सेकेंड्स इज दी आंसर। तो 2 और 6 8, और फाइनली यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो हमने फ्लक्स को सॉल्व कर दिया, कलर कलर कर लीजिए इसको, ये हमारा फ्लक्स का टाइम के साथ पूरा विश्लेषण आ चुका है। अब बारी आती है, बस फ्लक्स में प्रॉब्लम होती है एक बार कर लें तो, नेक्स्ट कम्स इंड्यूस ईएमएफ का टाइम के साथ। ईएमएफ क्या है, माइनस का d φ/dt, ये सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट के लिए कैलकुलेशन करी, d/dt ऑफ BLx विच इज माइनस का BL और dx/dt। अब देख सकते हैं कि जब ये एंटर कर रहा है तो x इंक्रीज हो रहा है, एंटरिंग के दौरान x इंक्रीज हो रहा है, तो dx/dt होगा प्लस का v, तो माइनस का बिली आंसर रहेगा। माइनस का मतलब आपको इसे नीचे बनाना पड़ेगा, और हम देख सकते हैं कि क्योंकि स्पीड जो है आपकी वो यूनिफॉर्म है, टाइम से ईएमएफ का कोई रिलेशन नहीं है, कांस्टेंट है ना, इसलिए तो ऐसे बनेगा नीचे, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ तक, जब तक कि ये पूरा नहीं एंटर कर जाता, उसके बाद क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो ईएमएफ जीरो रहेगा। और फिर से अब क्योंकि एक्स बाहर आते वक्त, लूप बाहर जब आ रहा है, तब एक्सपोज्ड लेंथ एक्सपोज्ड टू मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो ऑब्वियसली ये फ्लक्स भी कम ही होगा। और लेकिन dx/dt नेगेटिव होने की वजह से वाइल कमिंग आउट, एक्स डिक्रीज होगा और dx/dt ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, और ईएमएफ का माइनस तो पहले से लगा हुआ है, तो इस बार जो ईएमएफ होगा वो प्लस का BLV आएगा। ओके, ये लीजिए प्लस का BLV, दैट्स इट। आप चाहें तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 0.1 टेस्ला, लेंथ इज 0.2 एंड स्पीड इज पॉइंट, कितनी स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो मैं लिख रखी यहाँ 0.1, तो कितना आ गया, 2 10 पावर -3, 0.1 है वोल्ट, 2 मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट ये हो गया, और ऊपर में प्लस का 2 मिली वोल्ट ये हो गया। तो हमने ग्राफ बना लिया, इसको भी कलर कर सकते हैं, हो गया। अब बारी आती है इंड्यूस करंट की, ना करंट के लिए बनाना है, तो करंट के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर एक पेज ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, यहाँ कर लीजिए। करंट होता है E/R, E तो हमारा पूरे टाइम 2 मिली वोल्ट रहा है, और R की वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की, 0.1, तो 2 10 पावर -3 अपॉन 10 पावर -1, दैट गेट 10 पावर -2 एम्पियर। तो करंट जो आएगा वो 0.02 एम्पियर आएगा, और क्योंकि जहाँ जहाँ ईएमएफ है ही नहीं वहाँ करंट होगा ही नहीं, सो लेट्स मार्क इट। आप करंट को चाहे ऊपर दिखाएं चाहे आप नीचे दिखाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैं ऊपर दोनों तरफ दोनों बार ऊपर दिखा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। समय के साथ करंट भी सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ईएमएफ सेम है, और आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा करंट का कर्व, ये पूरा आंसर। और करंट की वैल्यू निकालनी है तो आइए निकालते हैं, 0.02 तो निकाल ही चुके हैं, सॉरी, दिस विल बी 0.02 एम्पियर, ये भी वही है। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है।